सबसे पहले जानते हैं कि सोल्डरिंग क्या होती है। किन्हीं भी धातु के पार्ट्स को सोल्डर के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग के द्वारा मुख्यतः धातु की पतली शीटों या तारों को जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के द्वारा जो ज्वाइंट बनता है वह अर्ध स्थायी ज्वाइंट होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सोल्डर क्या होता है। सोल्डर मुख्यतः दो या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को पिघलाकर धातु की पतली शीटों या तारों को जोड़ा जाता है। सोल्डर को पिघलाकर धातु की पतली शीटों या तारों को जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही सोल्डर को पिघलाने का कार्य किया जाता है। आइए सोल्डर के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि सोल्डर मुख्यतः दो या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सोल्डर टिन एवं लेड धातुओं को 63:37 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए मुख्यतः टिन, लेड, एंटीमनी, कॉपर, कैडमियम, जिंक, सिल्वर, फॉस्फोरस आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। सोल्डर को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है, सॉफ्ट सोल्डर एवं हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा बनाए गए जोड़ 450 डिग्री सेल्सियस पर खुल जाते हैं, यानी जहां पर वर्किंग टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वहां पर ज्वाइंट लगाने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सॉफ्ट सोल्डर टिन एवं लेड का मिश्रण होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले सोल्डर में टिन एवं लेड धातुओं को 63:37 के अनुपात में मिलाया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर बनाने के लिए प्रमुख रूप से टिन, लेड, एंटीमनी, कॉपर, कैडमियम एवं जिंक की मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग मुख्यतः बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ज्वाइंट लगाने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर ज्वाइंट लगाने के लिए किया जाता है जहां पर तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे। अधिक मजबूती और अधिक तापमान पर कार्य करने के लिए हार्ड सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यानी हार्ड सोल्डर ऐसे सोल्डर होते हैं जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर पिघलते हैं। हार्ड सोल्डर बनाने के लिए मुख्यतः जिंक एवं तांबे का प्रयोग किया जाता है। 33% जिंक और 67% कॉपर के मिश्रण से तैयार सोल्डर से बहुत मजबूत जोड़ तैयार होता है। इस सोल्डर को स्पेल्टर भी कहा जाता है। हार्ड सोल्डर बनाने के लिए प्रमुख रूप से कॉपर, जिंक, सिल्वर, टिन, कैडमियम एवं फॉस्फोरस की मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। हार्ड सोल्डर का प्रयोग मोटे तारों, धातु के बड़े टुकड़ों आदि पर जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखें कि सॉफ्ट सोल्डर में फ्लक्स के रूप में मुख्यतः रेसिन, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आदि का प्रयोग किया जाता है तथा हार्ड सोल्डर में फ्लक्स के रूप में मुख्यतः बोरेक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यह फ्लक्स क्या होता है इसकी स्टडी अभी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। आइए अब जानते हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में। सोल्डरिंग करने के लिए जिस औजार को गर्म करके सोल्डर को पिघलाने का कार्य किया जाता है वह सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। सोल्डरिंग आयरन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन एवं इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन की बिट को ब्लो लैंप से गर्म करके सोल्डरिंग प्रक्रिया की जाती है। मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं, कोर, हेड, शैंक एवं हैंडल। कोर सोल्डरिंग आयरन का वह भाग होता है जो गर्म होकर सोल्डरिंग की क्रिया करता है। जब सोल्डरिंग आयरन का कोर त्रिभुजाकार एवं अंग्रेजी के वी अक्षर के समान आकृति का होता है तो इसे हैचेड टाइप सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, एवं जब सोल्डरिंग आयरन का कोर वर्गाकार एवं पिरामिड के समान आकृति का होता है तो इसे स्क्वायर टाइप सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन का कोर एवं हेड मुख्यतः तांबे का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन को पकड़ने के लिए लकड़ी के हैंडल का प्रयोग किया जाता है। शीट मेटल कार्यों में मुख्यतः मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक उपकरणों में ज्वाइंट लगाने में किया जाता है।
इसमें बिट को गर्म करने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के हीटिंग एलिमेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर बिट गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन 25 वाट से लेकर 500 वाट की रेंज में उपलब्ध होते हैं। आइए अब जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। सोल्डरिंग करते समय सोल्डर के साथ फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पाउडर, पेस्ट या लिक्विड के रूप में हो सकता है। फ्लक्स निम्नलिखित कार्य करता है। सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ी जाने वाली सतहों पर ऑक्साइड बनने से रोकता है। सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता करता है। सोल्डर की पकड़ मजबूत बनाने में सहायता करता है। सोल्डर का पृष्ठ तनाव कम करता है जिससे सोल्डर सरलता से जोड़ी जाने वाली सतह पर फैलता है। सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑलिव ऑयल, बोरेक्स, रेसिन आदि का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं, क्योंकि यदि यह फ्लक्स धातु पर लगे रह जाएं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं एवं धातु पर जंग लग जाती है। ऑलिव ऑयल, बोरेक्स, रेसिन को नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं क्योंकि यह फ्लक्स धातु की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऑटोमोबाइल ट्रेड्स के सिलेबस में एक और टॉपिक है पाइप फिटिंग्स। अगले वीडियो में हम पाइप फिटिंग्स की बेसिक स्टडी करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ पर जो और वीडियोस की लिंक दी हुई हैं, इनको भी आप जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।